हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जेडीज क्लासरूम। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो आई विल लेट यू नो व्हाई चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ पाते हैं या प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करते करते ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और अगर अपर प्राइमरी स्कूल में जाते भी हैं तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। देयर आर सर्टेन बेसिक रीजंस फॉर विच चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। रीजन नंबर वन, पॉवर्टी। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। दिस इज नॉर्मल डाटा, प्री कोविड डाटा। अब पोस्ट कोविड डाटा को अगर हम कैलकुलेट करें, इन दिस लास्ट 15-18 मंथ्स बिकॉज ऑफ मैसिव कोविड द पॉवर्टी रेट इन रूरल एरियाज हैव इंक्रीज्ड बाय अनदर 15%। तो अगर हम कंबाइंड कर दें, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का ये मतलब हो गया जी, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, इन तीनों को ये अफोर्ड नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सेमी अर्बन एरियाज, इन स्मॉल सिटीज, इवन इन मेट्रो सिटीज, लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लॉस्ट देयर अर्निंग्स। दैट्स द ओनली रीजन फॉर विच दे कैनॉट अफोर्ड टू पुट देयर चिल्ड्रेन इवन इन प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल। रीजन नंबर टू, चाइल्ड मैरिज। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। इन आवर कंट्री ऑलमोस्ट 16% ऑफ द गर्ल्स आर फोर्स टू मैरी बिटवीन द एज ऑफ 15 and 19। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए, इफ ए गर्ल इज गेटिंग मैरिड बिटवीन 15 to 19 ईयर्स, इक्वली द बॉय इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज द ओनली चॉइस विद द बॉय इज टू स्किप स्टडीज, टू स्किप एजुकेशन एंड गो फॉर लर्निंग, सॉरी गो फॉर वर्किंग, क्योंकि अब उसे पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन हिज वाइफ। एंड चाइल्ड मैरिज टेक्स प्लेस इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, डाउरी, इलिटरेसी, सोशल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। इन कंट्री लाइक इंडिया देयर आर स्टेट्स लाइक यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस टेक्स प्लेस। तो यू कैन इमेजिन कि इफ ए चाइल्ड इज गेटिंग मैरिड बिटवीन द एज ऑफ 15 and 19, एंड सम चाइल्ड आर इवन गेटिंग मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15, तो व्हाट काइंड ऑफ इलिटरेसी विल अराइज इन आवर कंट्री। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन ए स्कूल टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द चिल्ड्रेन एंड टॉयलेट इज अ मस्ट फॉर गर्ल स्टूडेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, वेदर इट इज रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, दे डोंट इवन हैव गुड सप्लाई ऑफ हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर एंड एटलीस्ट ए हाइजीनिक टॉयलेट विच कैन बी यूज्ड बाय द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स नीड ए टॉयलेट बाय द एंड ऑफ द डे। इफ दे डोंट गेट एटलीस्ट ए हाइजीनिक टॉयलेट देन सेफ्टी कंसर्न्स विल अराइज। Then the fourth one, after fifth class, when the primary education gets over, children need to find a upper primary education school. And if they don't get a school in nearby locality, obviously they have to cover up 10, 15, maybe 20 kilometers by the help of may buses, maybe small autos, maybe even railway train, maybe even trucks, maybe even tractors.
which we normally see. So this increases transportation cost for the parents. And in today's date, transportation cost is very expensive. So that is the only reason many students, even after completing fifth class, does not want to attend upper primary education. And if they don't go for upper primary education, then labor contractor hires them and put them in child labor. Because in India, there are massive industries, lot of business corporate houses, lot of small factories which hire child, because the factory owners think that they will save a lot of money by paying the child laborers less wages. So these are some basic reasons for which child drops out from primary school or even from upper primary school, increasing the overall illiteracy rates in our country. This is my suggestions. This is my advice. To stop all these things, the government needs to play a very powerful role in promoting schools, specifically in rural areas, in villages, so that migration does not take place. Because migration requires lot of transportation cost apart from other expenses. So the government role is very important in promoting at least primary education in our country. Public funding by the government is a big necessity for growth and development of child who is studying in primary education. If primary education is given more importance, then only the secondary education will grow. Please subscribe to my channel, press the bell icon, share my videos, write comments, press the like button, and share my videos to all your relatives, friends, circles, staying with you, staying in your society, so that they can also come to know about this video. Bye bye, Tata, take care.